बिसमिल्ल अल्लिकम्फ़ो टी वी में खुश आमदीद आज पंद्रह अक्टूबर दो हज़ार बाईस रोज़ हफ्ता और उन्नीस रबी अवलबा मुताबिक चौदह सौ चवालीस हिचरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम सऊदी अरब के बदलते हालात सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इनफो टी वी को सब्सक्राइब कर लें गड्ढी के निशान को दबा दें आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम तो अथंटी खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा शुरू करते हैं पहली खबर के साथ नस्क एप्लीकेशन पर हर ट्रेन की बुकिंग का लिंक उम्र जायरीन के लिए सस्ते पैकेज सऊदी वजार हाजिर उम्र की मुतार्फ करद नसल एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने कहा कि उम्र जायरीन के लिए मुख्तलि सस्ते पैकेज फ्राहम किए जा रहे हैं शुरुआत आठ सौ तो तीस रियाल से की गई है यह पैकेज मकम कर्मा और मदीना मनवरा आमद में आसानी और ज़ायन को सहूलतें फ्राहम करने के लिए हैं वज अखबार के मुताबिक नसल एप्लीकेशन पर दस्ताब पैकेज में उम्रा वीज़े मुकम्मल इंश्योरेंस और मकम कर्मा में पाँच रात रहाइ की फ़ीस शामिल है पैकेज में टिकट खाने पीने और निजी अखराज शामिल नहीं वजारत हाजर उमरा ने नसक में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन की वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है उम्र जहरीन इससे सफ़र की सहूलत हासिल कर सकते हैं याद रहे कि वजारत हज हाँ और उम्र ने ऐतमरना एप्लीकेशन की जगह नस्क एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है ट्रांसपोर्ट सर्विस के खाने में अब हरमैन एक्सप्रेस से सफर की सहूलत का भी इजाफा कर दिया गया है नस्क एप्लीकेशन उम्रा और ज्यारत पर आने वालों को तमाम मतलूबा मालूम फराम कर रही है माजी में ऐतमरना एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले नसक एप्लीकेशन से इसफादे के लिए ऐतमरना ऐप को अपडेट कर लें नस्क एप्लीकेशन मजदूर और मकमी की की ने कहा कि मुझे ये तस्लीम करते हुए बहुत फख्र है कि सऊदी अरब ने हाल ही में अकोम मतदा की जनरल की ताजादा के हक में वोट दिया है जिसमें वाजे तौर पर यूक्रेन की खुद मुख्तारी और लाखाई सालमियत की हमायत की गई है ड्राइवर और घरेलू मुलाजमीन को निजी अस्पतालों में सेहत की देखभाल हासिल करने का हक़ है माहिर और इंश्योरेंस कंसल्टेंट सुलेमान मोहम्मद बिन मेफ ने इस बात की तस्दीक है कि कोई भी शहरी या मुख्तफ कैटेगरीज के जो रहायशी हैं जैसे कि ड्राइवर और घरलू मुलाजिम निजी मराकज़ और हस्पतालों में इलाज और सेहत की देखभाल हासिल करने का हक़ रखते हैं अगर वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल में हों और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जिससे ज़ाहिर होता है कि वजारतें जो सेहत है तमाम इलाज और एमरजेंसी अखराजा के लिए पाबंद हैं जब तक वो सेहत याब न हो जाए या उन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाएँ मेफ़ ने न्यूज़ ट्वेंटी फोर को दिए गए बयान में वजाहत की कि हेल्थ इंश्योरेंस कौन ने हाल ही में बेनिफिट कवरेज की जो लिमिट है और इंश्योरेंस मेडिसिन के लिए गाइड की एक मैारी और एक मखसूस अपडेट जारी की है उसमें कई जो शोबे हैं वो शामिल हैं जिसमें जो ख़वान है उनकी सेहत को बनाने सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं बच्चों की सेहत को और इसके अलावा जिसमानी एक्टिविटीज़ और इसके अलावा जो सेहत की देखभाल जो है जैसे कि अभी मोटापे का जो इलाज है उसमें वो भी शामिल किया गया है और जो अपडेट है इसका इतना अक्तूबर दो हज़ार बाईस से जारी करदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हैं वो उस पर हो गए हैं उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज की तोसी और जामियत के नतीजे में कफ़ीलों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे की जाहिर की है जो इंश्योरेंस कंपनियों पर सेहत के जो उन्होंने इजाफे किए हैं उसका सबब बनेगी वजार खारजा में वीज़ा के जनरल डिपार्टमेंट के असट्टेंट डायरेक्टर जनरल खालिद शिमरी ने तस्दीक की कि मुसलमानों के जो हया कार्ड होल्डर हैं वो उम्रा अदा कर सकते हैं और मदीना मनवरा जा सकते हैं उन्होंने अखबारिया चैनल से बात करते हुए जो है इस बात के निशान की निशानदेही की कि यह वीज़ा बगैर किसी फीस के मुफ्त है लेकिन लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस वीज़ा प्लेटफॉर्म से हासिल करना जरूरी है उन्होंने वजाहत की सऊदी अरब में दाखिले के लिए वीज़ा ग्यारह नवंबर से वर्ल्ड कप के आगाज से दस दिन पहले और अठारह दिसंबर दो हज़ार बाईस को टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक वैर टोका उन्होंने कहा कि वीजा होल्डर के लिए जरूरी नहीं कि वो इससे पहले हयाकार में कतर की रियासत में दाखिल हो जिससे जाहिर होता है कि वीजा होल्डर के लिए रहायश की मुदत ग्यारह जनवरी दो हजार तेईस को खत्म होने वाले दो माह हैं रियाज और हायल में जेवरात तो और रकम चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने एक मकान से जेवरात चोरी करके फरोख करने वाले फिलिपाइन की दो खातियों और हायल पुलिस ने फार्मेसी से रकम चोरी करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया अखबार ट्वेंटी फोर के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा फिलिपाइन की एक मुलाजमा ने अपने कफील के घर से सोने के जेवरात चोरी किए थे जबकि दूसरी खतून ने मसरूक़ा जेवरात शोरूम में फरोख किए दोनों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया हाई रिजन की पुलिस ने भी जुमे को एक फॉर्मेसी से नकद रकम चोरी करने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में लिया आदर वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने एक बयान में कहा कि मुकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवीर में भी दे दिया क्या है शीशे का जाली तमाकू बनाने वाला ग्रोह गिरफ्तार अड्डा सील कर दिया गया वजारत की तफ्तीशी टीम ने रियाज में शीशे का जाली तम्बाकू मिक्सचर बड़ी तादाद में तैयार और फरोख करने के इल्जाम में तीन रुकनी ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया सबक न्यूज़ के मुताबिक अदालती फैसले के हवाले से मजदूद कहा गया कि गिरफ्तार अफराज़ में तो सऊदी और एक मिसरी बाशिंदा शामिल हैं मुलमान ने हुके का शीशा जो है वो उसका जाली तम्बाकू मिक्सचर तैयार करने के लिए बाकायदा अड्डा कायम कर रखा था जहाँ से सैकड़ों किलोग्राम जाली मिक्सचर भी बरामद कर लिया अदालत ने जुर्मित हो होने पर मरकजी मुलम को नौ माह कैद जबकि दूसरे और तीसरे मुल्ज को चार माह कैद की सजा का हुक्म सुनाया मसरी बशिंदे को कैद मुकम्मल करने के बाद मुल्क बदल करते हुए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा जदह में तरकियाती मंसूबा आखिरी दो इलाकों के इन्हदाम का आगाज़ हफ़्ह से जदा के तरक्याती मंसूबे के तहत कदीम इलाकों को मसमारत करने का अमल जारी है मुकर शेड्यूल के मुताबिक आज अच्छा हफ्ता पंद्रह अक्टूबर को उम सलम और किलो चौदह के गैर मुनजम इलाकों को गिराने की कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा के तरक्याती मनसूबों के तहत बत्तीस गैर मुनजम मोहल्लों को गिराने के प्रोग्राम पर तेज़ी से अमल जारी है इस सिलसिले में तीस मोहल्लों को गिराया जा चुका है जबकि बाकी रह जाने वाले दो महल उम्म और किलो चौदह की जो गैर मुन बस्तियों को गिराने का अमल शुरू किया जाएगा वाज रहे कि पुराने महलों के इन्हदाम की कार्रवाई से पहले उन इलाकों में रहने वालों को नोटिस जारी किया जाता है जिसमें बिजली और दीगर सर्विस को मनकता किए जाने की तारीख दी जाती है ताकि मुकर तरीक से पहले लोग अपने लिए रहाइश वगैरह का बंदोबस्त कर लें सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट कम होने लगे सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमे को सोने के रेट में कमी देखी गई इक्कीस कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत एक रियाल तक आ गई वेबसाइट के मुताबिक चौबीस कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत दो जो है वो छियासी रियाल रही जबकि बाईस कैरेट एक ग्राम सोना एक रियाल में दस्ताब रहा गोल्ड मार्केट में अठारह कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत एक सौ पचास इशारिया पैंसठ रियाल रही इक्कीस कैरेट वाले आठ ग्राम के सिक्के की कीमत सोलह सौ सतासी इशारिया चौबीस रेहल रही वजारत मेहनत में गलत हरूप को किससे जो है वह किस तरह साबित किया जाए सऊदी अरब में कानून के मेहनत पर अमल करना जरूरी है उनसे वाकफियात हासिल करना हर गैर मुल्की कारकुन के लिए अशद ज़रूरी है वजारत की जानब से सऊदी अरब के तमाम शहरों में हाजिर और रचीर के मुबैन किसी बिझगड़े के लिए कमेटी बनाई जाती है कानून के मुताबिक गैर मुल्की कार्कुनों के लिए लाजिम है कि वह अपने स्पॉन्सर के पास ही काम करें जिनके वीज़े पर वह सऊदी अरब में मौजूद हैं ऐसा ना करना कानून शिकनी के दायरे में आता है कफील के पास काम न करने वालों के खिलाफ हरूफ फायल कर दिया जाता है जो इधारा मेहनत

वाज रहे सऊदी अरब रह में क़ानून मेहनत के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के पास काम करें स्पॉन्सर यानी जिस शख्स या कंपनी के वीज़े पर आते हैं उनके पास काम करना कानूनी एतबार से लाजमी है ऐसा ना करने वालों के खिलाफ वर्जी के मरतखब करार पाते हैं वो कारन जो अपने स्पॉन्सर के पास काम नहीं करते बल्कि किसी दूसरी जगह काम करते हैं वो गैर कानूनी अमल के मरतखब करार पाते हैं स्पॉन्सर के अलावा दूसरी जगह काम करना वजारत के जवाब के मुताबिक संगीन खिलाफ वर्जी है ऐसे कारकुन जो अपने कफील के पास से भाग जाते हैं के खिलाफ हरूफ फाइल किया जाता है हरूब का मतलब होता है फरार होना जिन कारकुनों का हरूब लगता है जवाजात में उनकी फाइल ब्लॉक हो जाती है जब तक हरूप कैंसिल ना हो जाए तो उसे जो वो कारकुन है ना तो उसका एग्जिट लगता है ना ही उनका एक आम तर्जी होता है अगर स्पॉन्सर यानी कफील वगैरह की तरफ से गलत हरूब लगाया जाए तो आप वजारतवत से रुजू करके गलत हरूफ फाइल होने पर रिपोर्ट कर सकते हैं ताहम आपके पास तमाम जो है वह प्रूफ होने चाहिए जैसे कि आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर सैलरी का हिसाब वगैरह यह तमाम चीज़ें वहाँ पर शो कर सकते हैं एक शख्स ने विजिट वीज़े की तजदीद के हवाले से दरियात किया एहलिया को विजिट वीजे पर बुलाया था मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से सफर नहीं कर सकती अफसर के जरिए विजिट वीज़े की मदत में तोसी की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं हुई इस सूरत में क्या कर सकते हैं जवाजाद की जानब से सवाल के जवाब में कहा गया अपने इलाके के जवाजा दफ्तर से रजू करें दफ्तर जाने से पहले अफ्सर पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है याद रहे विजिट वीज़े दो तरह के होते हैं एक सिंगल एंट्री दूसरा मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा होता है सिंगल एंट्री वीज़ा नब्बे दिन के लिए जबकि उसमें मज़दीक तीन माह की तोसी की गुंजाइश होती है मल्टीपल इंट्री की मदद एक साल होती है ताहम एक सौ अस्सी दिन खत्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्जिट करना जरूरी है जिसके बाद दोबारा एंट्री पर एक सौ अस्सी दिन क्याम किया जा सकता है ख्याल रहे हज सीजन के करीब विजिट और उम्र वीजों का जो इजरा है वो महदूद कर दिया जाता है जिसका मकसद बैरून मुल्क से आने वाले आजमी हज को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फ्राह्म करना होता है आज के रियाल रेट की बात करें तो आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है छप्पन रूपए बाईस पैसे एस टी सी पे दे रहा है छप्पन रूपए चालीस पैसे तहवीला राज्य दे रहा है छप्पन रूपए तीस पैसे वेस्टर्न यूनियन छप्पन रुपए अठावन पैसे मनी ग्राम छप्पन रुपए उनचास पैसे टेली मनी छप्पन रुपए और पच्चीस पैसे इंडिया के लिए फौरी बैंक इक्कीस चौवन एस टी सी पे इक्कीस अड़तालीस तहवील राज इक्कीस छियालीस वेस्टर्न यूनियन इक्कीस पचपन ग्राम इक्कीस तिरपन और इंजाज बैंक इक्कीस रुपए चालीस पैसे दे रहा है हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन मजीदी खबरों के लिए शाम छह बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा हमें इजाजत दीजिए असल